जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम बैंक निफ्टी की फुल एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं, जो कि 13 जून 2022 के लिए होने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का, बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग, पीसीआर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो कुछ भी बाइंग रेंज एंड सेलिंग रेंज बनेंगे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को स्टॉप लॉस के बारे में भी बताएंगे कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सभी को हम लेके चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट हमारा ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है ट्रेडिंग व्यू पे। आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दी है। अदरवाइज यहाँ पे हम आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहते हैं, कल की वीडियो में मैंने जो बताया था, कल की वीडियो में मैंने जो रेंज दी हुई थी वो किस प्रकार से काम करी। मैंने बताया था कि 35,360 के नीचे रहती है तो इस लेवल्स में रह सकती है, 35,000 के लेवल्स में, यानी कि 35,000 के अगर ऊपर रहती है तब तो ऊपर के चांसेस हैं, अदरवाइज 35,000 के नीचे आती है तो आपको डाउनसाइड के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 35,360 के नीचे काफी देर तक मतलब यहाँ पे सस्टेन रही है मार्केट, उसके बाद एक बैक डाउनसाइड में आई है, क्योंकि मैंने बताया था कि यही रेंज ही इसकी बन रही 35,000। तो 35,000 से 35,360 तक की इसकी रेंज थी, उस रेंज में ही ये मार्केट रही है। तो इस प्रकार से हर दिन एक्यूरेसी मेरी बरकरार रहती है, तो आज भी बैंक निफ्टी में भी हमारे लेवल्स जो हैं उन्हीं लेवल्स के बीच में मार्केट है। अब आपकी ट्रेडिंग करने की क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं ये आप पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस। खैर, मैं तो जो लेवल्स बताता हूँ उन पे मार्केट डिपेंड रहती है। तो आज भी हम कुछ लेवल्स आप सभी को बताने वाले हैं। ये मैं कल लाइन रखे हुआ था, ये लाइन्स मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, ये लाइन मैंने रिमूव कर दी है। यहाँ पे कुछ लाइन्स मैं यहाँ पे आप सभी को दिखाने के लिए, प्रीवियस मैंने कंप्लीट एनालिसिस करी हुई है, बैक में जाके तमाम सारी टेक्निकल एनालिसिस करी हुई है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रा की हुई हैं सिंपली आप सभी को समझाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सिखाऊंगा तो काफी लेट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो तो आप सभी को प्रोवाइड ही कराई जाती हैं, साथ ही साथ आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग की वो स्टडीज आप सभी से डिस्कस करी जाती हैं, जो कि लाइव मार्केट में भी आप सभी को बड़ा ही सपोर्ट देती हैं। तो अगर अभी भी यहाँ पे रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो फटाक से इसे सब्सक्राइब करके ग्रे कीजिए, और बगल में आपको मिल जाएगा बेल आइकन का, वो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, तो तभी आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी, अदरवाइज नहीं। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं और लेवल नोट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लेवल नोट कर लीजिए, लेकिन उसके पहले बता दें कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे आप ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं खासकर बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से। किस प्रकार से वहां पे 100-150-200 पॉइंट्स के प्रॉफिट करा दिए जाते हैं हवा में, बिल्कुल वहां पे रिस्की ट्रेड कराए ही नहीं जाते हैं, चाहे एक दो दिन ट्रेड भले ही ना दें लेकिन रिस्की ट्रेड नहीं कराए जाते। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो जरूर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, दो चार दिन रह के सीख सकते हैं, देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे दो चीजें आपको कॉमन मिल रही हैं यहाँ से। एक तो 15 मिनट की एक कैंडल कितनी तगड़ी बनाई है ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर की ओर गई है, वहीं से मार्केट जो है गिरना स्टार्ट हुई है तो कितनी 15-15 मिनट की तीन चार कैंडल नीचे की ओर बनाई है और एकदम से गिर गई है। तो इस चीज को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी बड़ी चीज होती है, तो इस चीज को आप सभी लोग समझिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो आप देखा कीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है या फिर यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी वीडियो बना के रखी है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टडीज में तमाम सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो सभी वीडियोस लाइव मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो यहाँ पे सिंपल लेवल्स अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, यहाँ पे 35,000 मैंने जो बताया था इसे मैं वहीं रहने देता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है, मार्केट जब तक इसके ऊपर रहती है तब तक अपसाइड में जाने के चांसेस बने रह सकते हैं। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मार्केट जो है, या फिर यूं कहें कि बैंक निफ्टी, आपको लगता होगा कि आप कल गैप डाउन ओपनिंग होगी या फिर कल जो है तगड़ी डाउन जा सकती है, तो इसको इसलिए अभी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहां से मार्केट जो है शुरू हुई थी अप साइड में जाने के लिए एक तगड़ा सपोर्ट यहां पे दिख रहा है, उसके बाद मार्केट आके एकदम वहीं पे रुक गई है, तो इस लेवल को भुलाया नहीं जा सकता, इस लेवल को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं या फिर ये लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम सेम लेवल यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे आने के बाद में अगर मार्केट खत्म हो गई है, मार्केट आवर खत्म हो गया था, नहीं फिर ये जो है यहीं से ऊपर की ओर जाती है एकदम पक्का है, और ऊपर की ओर जाती है तो कहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाना ही जाना था इसको, 35,200 तक जाना ही जाना था, इस लेवल के बाद फिर नीचे आती और 35,000 का अगर लेवल ब्रेक करती डाउन साइड में
तो आपको डाउन साइड के टारगेट्स देखने को मिलते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये कल भी हो सकता है, कल हो सकता है, कल क्या हो सकता है, कल की कुछ संभावनाएं जताई जा सकती हैं। हो सकता है मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग कराए, क्योंकि सपोर्ट पे आके मार्केट रुकी है और इसके ऊपर हो सकता है कि मार्केट ओपन हो। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है तो आपको सुबह सुबह ही यहां से मार्केट अपसाइड में देखने को मिल जाएगी, या फिर 35,200 के नीचे ओपन होती है तो ये एक सपोर्ट ले सकते हैं, ये एक सपोर्ट ले सकते हैं। हमारा ये सपोर्ट बहुत तगड़ा काम करेगा, 35,200 का ये रेजिस्टेंस नोट कर सकते हैं आप। नोट कर लीजिए अपने जो कुछ भी अगर नोट्स हैं तो नोट कर सकते हैं, 35,200 का ये जो लेवल है इसके नीचे मार्केट रहती है या फिर नहीं रहती, अगर ऊपर जाने लगती है तो यहीं से मार्केट रिवर्स करेगी और 35,000 तक आएगी। 35,000 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो क्या करना है, 35,000 के नीचे की साइड में लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको 100 पॉइंट्स तुरंत देखने को मिलेंगे, यानी बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है, तुरंत हो सकता है। 34,900 का टारगेट फर्स्ट ये हमें देखने को मिला है और ये यहां तक आएगा ही आएगा। 100% कुछ भी कंफर्म नहीं होता शेयर मार्केट में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आंख मूंद कर मेरे ऊपर भरोसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ना ही आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार आप कंसल्ट कर लें। तो यहां पे देखिए 35,000 के नीचे आपको एक ये टारगेट देखने को मिलेगा 34,900 का, उसके बाद में आपको देखने को मिल जाता है डाउन साइड में 34,400 का ये नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हैं। ये मैंने दो दिन पहले भी शायद आप सभी को बताया था, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आके मार्केट रुक सकती है। अगर 34,900 के नीचे मार्केट जो है ओपनिंग करा देती है 15th मिनट की कैंडल, कम से कम 50% नीचे की ओर क्लोजिंग देती है तो। उसी प्रकार से अगर और नीचे जाना चाहें तो मुझे नीचे के टारगेट्स देखने को बहुत तगड़े मिल रहे हैं, क्योंकि अगर 34,400 के नीचे नहीं आएगी, मेरा ऐसा मानना है, कल तो नहीं है आएगी, अगर आती है 34,400 के लेवल को अगर क्रॉस कर देती है डाउन साइड में तो फिर आपको तगड़ा मूव डाउन साइड में देखने को मिलेगा, और 33,750 तक भी आ सकती है बैंक निफ्टी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो इस लेवल को नोट कर लीजिएगा या फिर इस लेवल तक ही आप रह सकते हैं। कोई खास गिरावट कल मुझे शायद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सपायरी डे परसों है, तो कल अपना रेंज बाउंड भी रह सकती है बैंक निफ्टी, तो इसलिए आप सभी लोग केयरफुली ट्रेड कीजिएगा अगर करते हैं तो। चलिए अप साइड की हम बात कर लेते हैं, डाउन साइड में खैर आप सभी ने देख ही लिया। अप साइड के मेरा व्यू कहता है वो अप साइड में ज्यादा कुछ कहता है। अप साइड में अगर जाएगा तो सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, इसे 35,200 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए। 35,200 के लेवल को ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो सेम नीचे वाला पॉइंट से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मिलेंगे 34,310 का ये लेवल ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। इस लेवल के ऊपर अगर जाती है तो आपको अप साइड में एंट्री ले लेनी है, इस लेवल के ऊपर अगर जाती है तो आपको अप साइड में एंट्री लेनी है। डेफिनेटली आपको ये 35,750 का टारगेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 35,750 का टारगेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा अगर मार्केट जो है 310 के ऊपर जाती है तो। ये लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट है ये, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार क्रमशः आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 35,700 के बाद में आपको 35,750 के बाद में आपको 35,900 का टारगेट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। ये भी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से दो तीन लेवल्स मैं आप सभी को और बता दे रहा हूँ, क्योंकि सेफ रहना काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एक लेवल और देखने को मिला 36,090 का। फिलहाल आप ये लेवल्स इतने नोट कीजिए, ये ऊपर वाले लेवल्स कोई मतलब नहीं, 36,300 अभी नहीं जाने वाली, अगर जाएगी तो मैं अगले दिन आपको बताऊंगा, या फिर लाइव मार्केट में मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता रहता हूं, वहीं पे आप सभी को बताऊंगा। आई होप लेवल्स आप सभी ने नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हैं लेवल्स आप सभी ने नोट कर। बात कर लेते हैं ऑप्शन चैन डेटा का, बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर कैसे निकाला जाता है, तो हमने ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। मोबाइल से आप ऑप्शन चैन डेटा का बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं पे आपसे विदा लेना चाहता हूं, अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एक घंटे के अंदर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। जो कुछ भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हमारे साथ बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनके लाइक्स एंड कमेंट्स का मैं सदा आभारी रहता हूं।
तो आज भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।